उसके आगे कुछ नहीं होगा। ये शहर की आबादी आज 15 लाख के आसपास है। जो पानी हम लोगों ने लाया था पौने 200 एमएलडी पानी, वही पानी ये शहर को आज भी मिल रहा है। नया पानी आया नहीं। एमआईडीसी का जो बाकी का पानी आमदार ने कहा था कि अभी 10 जुलाई तक के बाकी का 35 एमएलडी पानी भी शहर को आ जाएगा। आ रहा है क्या आपको 24 घंटा पानी? क्या आ गया क्या 35 एमएलडी पानी? 10 जुलाई को आने वाला था, आ गया? नहीं आया। तो ये खोटे आश्वासन देने का काम इन लोगों ने किया है। ये सवाल पूछने का वक्त अब आ गया है 2019 में, और मैं ये सवाल पूरी ताकत से जनता के बीच में पूछूंगा। आप लोग संभ्रम में मत रहिए कि मुजफ्फर हुसैन चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, किसको खड़ा करेंगे, अनिल को खड़ा करेंगे कि अंकुश को खड़ेंगे कि जुबेर को करेंगे कि प्रमोद को करेंगे कि और किसी और को खड़ा करेंगे। भैया मैं क्यों कोई पान की दुकान लेके बैठा हूं क्या कि हर टाइम आते जाते सबका मुंह लाल करूं? मैं अपना भी तो मुंह लाल कर रहा हूं कभी। अरे उर्दू में एक शेर है, मुझे ज्यादा उर्दू आती नहीं, मेरी माँ बैठी है वो कवित्री भी है मुद्गल जी, मेरी माँ शायरान भी है, शायर भी शेर भी लिखती है, वो शेर लिखती है मैं शेर मारता हूँ, मतलब बोल के सुना न तो कल मेरे पे केस लगेगा कि टाइगर मारने की बात किया। तो उर्दू में एक शेर है, अभी गलती होगा तो करेक्ट नहीं करना, माँ को बोल देता हूँ। गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में, घुटनों के बल चलने वाले क्या खाक लड़ेंगे। तो आप ये दिल और दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। आपको देखना है कि आप मीरा भयंदर में क्या करने वाले हो। आपको एक लोक प्रतिनिधि चाहिए, एक ही आदमी काफी होता है सरकार हिलाने के लिए, दूसरे आदमी की भी जरूरत नहीं होती, एक ही आदमी काफी होता है सरकार हिलाने के लिए। तो अगर आपको इस तरह की भी बातें रखी जाएगी आपके सामने लोगों के सामने, अरे क्या कर लोगे आप इसको चुन के, केंद्र में हमारी सरकार है राज्य में हमारी सरकार है, तो भाई साहब आपको इतिहास बता कि विरोधी पक्ष लोकतंत्र में कितना महत्व का होता है। जब इंदिरा गांधी जी पंत प्रधान थी तो आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुन के लाने के लिए कांग्रेस के दो पार्लियामेंटेरियन को रेजिग्नेशन देने को लगाया था कि नहीं पार्लियामेंट में विरोधी पक्ष चाहिए, ये लोकतंत्र है। और कांग्रेस इस लोकतंत्र पे विश्वास रखती है, ना कि लोकतंत्र के नाम पे डिक्टेटरशिप। अब देश में भी डिक्टेटरशिप चल रही है, रोज पेपर में हम पढ़ते हैं, अघोषित इमरजेंसी चल रही है, कई विचारवंत लोग बोलते हैं, टीवी में हम चर्चा सुनते हैं, मीरा भयंदर में भी हम यही देखते हैं कि एक वार्ड ऑफिस को भी कुछ एक्शन लेने का हो तो आमदार का फोन आएगा तो होगा, या आमदार मना करेगा तो नहीं होगा। तो ये डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप की कोई जगह नहीं। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष भी अपनी आवाज जब रखता है तो सत्ताधारियों के काम होता है, फर्ज है कि विरोधी पक्ष की आवाज सुने, क्योंकि वह जनता की आवाज होती है। तो इसके लिए अगर कोई आपको यह कहेगा अरे भाई अकेला आमदार चुन के आके क्या कर लेगा, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस का कुछ सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपको ये कहना है ना हमको दिल्ली देखनी है ना हमको महाराष्ट्र देखना है, हमको सिर्फ अपना मीरा भयंदर देखना है, हमको सिर्फ अपना मीरा भयंदर देखना है, और आप लोगों के साथ के बगैर ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपके साथ की मुझे जरूरत है, और इसीलिए जनसंपर्क कार्यालय यहाँ पे बनाया गया है कि पार्टी के सारे पदाधिकारी नगर सेवक यहाँ पर आए बैठे लोगों से जनसंपर्क करें।